R&S Urani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। बैन रियासती मंशियात फरोश को SOT इल्बी नगर जोन टीम और वनस्थलीपुरम पुलिस रचा कोंडा ने रियासत कर्नाटक के सेंगलोर से नशा आवर अद्वियात को हैदराबाद ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 50 ग्राम MDMA ड्रग जब्त कर लिया। एक मुसद्दिका इतला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT इल्बी नगर जोन की टीम ने वनस्थलीपुरम पुलिस के बाहमी इश्तराक से सी सोमेश नामी एक बैन रियासती मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मंशियात फरोश के एक रैकेट का पर्दाफाश किया और 50 ग्राम ममनुआ मादा MDMA मेथलाइन जब्त कर लिया और डाक्सी मिथाफाइन मंशियात और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। मुलजिम की शनाख्त चलपूरत सोमेश उमर 30 साल साकिन केरला का रिहायशी बताया गया है। मुलजिम के मुख्तसर हकायक, मुलजिम रियासत केरला से ताल्लुक़ रखता है और वो गांजे का आदि हो गया और दोस्तों की मदद से गांजा खरीदना और केरला और हैदराबाद के ज़रूरतमंद ग्राहकों को फराम करना शुरू किया। साल 2021 में इसे अपने साथियों के साथ 240 ग्राम गांजा मुंतकिल करते हुए पकड़ लिया गया और अदालती तहवील में भेज दिया गया। 2022 में इसे चेरलापल्ली से रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद वो अपनी गैरकानूनी सरगर्मियों से बाज न आया। 22 जून को SOT पुलिस और LB नगर जोन की टीम ने वनस्थलीपुरम के साथ मिलकर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई और इसके कब्जे से 50 ग्राम ममनुआ मादा नकद रकम, एक मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात और देखते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। पेश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।